ये वीडियो बिहार के किसी एक गांव से की नहीं है। ऐसी खौफनाक वीडियो बिहार के कई गांवों से लगातार मिल रही है, जहां कौवा, चमगादड़, बुगला इसी तरीके से तरफ तरफ कर अपनी जानें गंवा रही है। प्रशासन को भी इसकी सूचना है, स्थानीय जनप्रतिनिधि भी इस तरह की घटनाओं की लगातार सूचनाएं डॉक्टर्स की टीम को भी दे रही है, प्रशासन को भी दे रहा है, थाने को भी दे रहा है, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। वैसे ही गांव में कोरोना वायरस को लेकर जिस तरीके के अफवाह फैल रहे हैं, लोग जिस तरीके से डर के माहौल में जी रहे हैं, ऐसे में पक्षियों का इस तरीके से मरना गांव में एक अलग तरह के भय का माहौल व्याप्त हो रहा है। गांव के लोग हालांकि मान रहे हैं कि बर्ड फ्लू है, इस तरह पहले भी कई वर्ष पहले भी गांव में हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो महामारी का रूप धारण करता था इसको लेकर गांव वाले काफी डरे हुए और सहमे हुए भी। हालांकि गांव वाले खुद अपने से इस तरह की जो पक्षियां मर रहे हैं या जहां जिस इलाके में इस तरह के की वीडियो आ रहे हैं, जहां पक्षी के मरने की खबर आ रही है, गांव के लोग अपने तरीके से उससे निपटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गांव के लोगों में वो ना तो वो प्रशिक्षण उनके पास है, ना है इसकी जानकारी है कि कैसे इस तरह की पक्षियों को अगर ये तरफ तरफ कर वो मर रहा है तो क्या वजह हो सकता है। पहले तो शुरुआती दौर में तो ये कहा जा रहा था कि खेती के दौरान किसान ज़्यादा से ज़्यादा खाद का उपयोग करते हैं, इस वजह से कौवे की मौत हो रही है, चमगादड़ मर रहे हैं, बुगले मर रहे हैं, मैना मर रहा है, लेकिन अब तो ये स्थिति बदल चुकी है। अब तो बर्ड फ्लू जैसे बीमारियों के बारे में गांव के बच्चे बच्चों को पता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस पक्षी के मरने का संकेत क्या है, इसका असर मनुष्य के जीवन पर कितना पड़ेगा। हालांकि अभी भी उसको लेकर रिसर्च चल रहा है, लेकिन गांव के लोग इतनी तैयारी जरूर कर रखा है कि जहां कहीं भी इस तरह के पक्षी के मरने की सूचना आ रही है वो खुद पक्षी को दफना रहे हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं गांव के लोग, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि ये तमाम बच्चे या जो लोग वहां पे खड़े हैं इस तरीके से दफनाने का काम चल रहा है वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक तरीके से नहीं हो रहा है, इसका क्या असर होगा ये भी समझने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल गांव वाले अपने तरीके से इस महामारी को से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पक्षी कैसे बचे इसके उसको लेकर इनके पास ना तो कोई जानकारी है, ना ही इसको लेकर अभी तक कोई बिहार में रिसर्च शुरू हुआ है, लेकिन जो पौराणिक मान्यताएं रही हैं या जो दादी अम्मा के दौर से जो लोग सुनते आए हैं कि इस तरह की घटनाओं के बाद महामारी फैलती है, जरा सुनिए गांव के लोग क्या कह रहे हैं। बर्ड फ्लू का शिकायत हुआ था, डॉक्टर साहब आए हुए थे सूचना देने के बाद, इस बार सूचना मिलने के बाद भी अब तक कोई नहीं आए हैं और दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आप खुद देख रहे हैं, अभी देखे होंगे सामने में कि कुछ बैठे बैठे झोप रहे हैं, कुछ ऊपर से गिर जाते हैं, आंगन में भी गिर रहा है, दूसरा के पास बगल में गिरा है। शिकायत तो नहीं जानकारी दिए हैं ऐसे, तो न सरकार कोई व्यवस्था कर रही है, प्रशासन तो कुछ कर नहीं रही है, लगता है कि बर्ड फ्लू का ही प्रकोप हो। इससे तो लगता है ग्रामीण सहमे हुए हैं, हम लोग भी डरे हुए हैं, बता रहे इससे क्या हो सकता है, एक महामारी का रूप तो ले ही लिया है ये। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हुआ समूह पासवान। कई दिन से मर रहा है यहाँ पे कौवा जो है मर रहा है, तो हम लोग जो है उसको पोलोथीन में उठा करके बिहार में कहीं उतार देते हैं। कौन सा गांव है ये? चगड़ा गांव हुआ और पंचायत रठेटा कहलाता है, और हम लोग सोचते हैं कैसे मर रहा है, ये तो जानकारी ना है, लगता है बर्ड फ्लू फैल गया है, और यही सब देखते हैं कौवा मर गया, कुत्ता भी खाता है तो कुत्ता भी मर जाता है। देखो उस दिन कुत्ता खाया, घास के पास गिरा तो कुत्ता भी मर गया, कुत्ता लोग उठा करके। मेरा नाम रजनीश कुमार रंजन है।